एवरीवन, वेलकम बैक। कल एक्चुअली वीडियो स्टार्ट किया था, लेकिन दो तीन बार स्टार्ट किया, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू था, तो स्नैपिंग टूल का कोई इशू रहते रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए कल। निफ्टी फिफ्टी के बहुत सारे स्टॉक के स्क्रीनशॉट्स मैंने पोस्ट किए थे, और वो वीडियो का मैं भी मैंने दिखाया था, बट वो वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनी थी और वो अपलोड नहीं की। तो आज चलते हैं प्रेडिक्टिव लेवल पे दोबारा से, SLT 1 SLT 2 चीज़ों पे, सब पे काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं, 101 वीडियो हैं कंटिन्यूसली। तो नया टॉपिक और नई चीज़ें, क्या था कि कभी इंडेक्स या फ्यूचर पे कभी हम देखने के लिए सलाह नहीं देते थे और उसी पे ट्रेड करने के लिए बात करते थे, लेकिन अभी इंडेक्स लेवल या फ्यूचर्स या फिर स्टॉक फ्यूचर्स में काम जो लोग करते हैं तो उनके लिए एक न्यू कंसेप्ट है। वैसे सभी के लिए न्यू कंसेप्ट है क्योंकि प्रेडिक्टिव लेवल है। प्रेडिक्टिव लेवल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एग्जैक्टली आपने जैसे फीबो का सुना होगा कि 50 से क्रॉस करेगा, 60 बन जाएगा, वहाँ से क्रॉस करेगा, वहाँ जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं जाता। बेसिकली फिबोनाची के हर आदमी के अपने कंसेप्ट हैं, हर चीज़ों के अपने कंसेप्ट हैं, किसी भी लेवल के अपने कंसेप्ट हैं। कोई बोलता है यहाँ से रिवर्सल होगा, कोई बोलता है यहाँ से ये होगा, बट हमारे प्रेडिक्टिव लेवल में ऐसा नहीं है। एक प्रेडिक्टिव लेवल क्रॉस और नेक्स्ट प्रेडिक्टिव लेवल, एश्योरेंसेस, हाईएस्ट एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेसी इतने बड़े स्केल पे या इतनी बड़ी चीज़ों को देखना, कई दिन से मैं दिखा रहा हूँ और आज भी आप देख सकते हैं। सुबह क्लोजिंग से कैलकुलेशन थी, स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग से कैलकुलेशन थी, ओपनिंग में सेल था, कुछ सिंबल सेल में थे, लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड कैंडल से ही सेंसेक्स भी, क्या नहीं था, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, आई थिंक बैंक एक्सेसिबल। सो यहाँ पे आज हमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑब्वियसली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कर सकते थे, तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और परसों तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक साथ हैं। सो सेलिंग में सेंसेक्स भी डाउन आया एग्जैक्टली द पर्टिकुलर लेवल विच इज एक्वा लाइन, जो मैं पिछले 3-4 एपिसोड से मैं बता रहा हूँ कि एक्वा लाइन इज अ बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट। प्रेडिक्टिव लेवल एग्जैक्टली लेवल के पास था, एंट्री करने में बड़ा आसान था, पुट साइड गया। सेम टाइम पे ओपनिंग पे ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और ये भी, ये दोनों के दोनों भी शॉर्ट हुए। ये नहीं हुआ बेसिकली, ये ऊपर ही था, इस टाइम पे ये शॉर्ट हुआ क्योंकि ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके आया। ये भी हो सकता था, पॉसिबल था कि एग्जैक्टली उसने हाई जो बनाया था वो एग्जैक्ट हाई ये था, बट स्टिल ये कंसोलिडेट करता रहा, फाइनेंशियल सर्विसेज भी कंसोलिडेट करती रही, बट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के दोनों डाउन आए, काफ़ी अच्छे लेवल पर डाउन आए। मीन्स एंट्री से देखे 280 से लेके और 140, काफ़ी बड़ा प्राइस पॉइंट है। और यहाँ पे सेंसेक्स भी अगर बात करें तो 7977 से 79, 300 पॉइंट का मूवमेंट है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट। उसके बाद ये बड़ा मूवमेंट के साथ ये छोटा दिखता है। चलिए, सो पहले पुट में आया, पुट में आने के बाद मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए, पहली एंट्री यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी एक सपोर्ट एरिया में, जब बार बार वो टेस्टिंग हो रही है तो आप देखिए कितना परफेक्टली टेस्ट करके बार बार उसने ऊपर क्लोज दिया। 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, तो उसमें कोई ऐसी पुल बैक एंट्रीज में 1-to-1 पुल बैक एंट्रीज बार बार मिलती रही, तो कॉल पुट में आप काम आसानी से कर सकते थे। सेम टाइम पे यहाँ पे किसी भी उसमें आप लेवल्स की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं देख के, कई दिन से मैं दिखा रहा हूँ और कहाँ से लेके कहाँ तक आता है एग्जैक्टली हाई दिया। अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है, ये लो के साथ, इस लो से ये हाई, मीन्स द स्टेप आउट देख सकते हैं आप, क्या कितना फाइन ट्यून स्टेप आउट हुआ है। अब क्लोजिंग, अगर किसी को क्लोजिंग देखनी है तो 383 का लेवल है, 380 पे क्लोज हुआ है, लेवल वैल्यूज 383, 3 रुपए का डिफरेंस है क्लोजिंग में। हर एक क्लोजिंग नियरेस्ट बाय लेवल क्यों है, बेसिकली एक रिदम है मार्केट का, द स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज गोइंग टू बी थर्ड स्टेप। कल भी मार्केट गैप अप हो सकती है और मार्केट कल कंटिन्यूस अप ट्रेंड में बनी रह सकती है। दिवाली का टाइम है, इंडियन मार्केट में बड़ा फेस्टिवल है, तो लोगों के लिए एक शायद एक अच्छा गिफ्ट होगा कि जो पोर्टफोलियो है वो एक अच्छी, उसमें ज़्यादा बड़े नुकसान में ना हो और वो अच्छी कंडीशन में आके एग्जिट कर पाए यार चीज़ें। बाकी अगर बात करूँ तो मार्केट कल के लिए बात की जाए तो मार्केट
24,212 फिन निफ्टी, फिन निफ्टी को छोड़ देते हैं तो 24,360 निफ्टी, 52,035 के नीचे बैंक निफ्टी और 80,075 के नीचे सेंसेक्स। अगर ये आते हैं तो मार्केट फिर से डाउन हो जाएगी। कल का ओपिनियन भी बताया था, एक्चुअली मैंने कल वीडियो बनाने की ट्राई की थी लेकिन वो नहीं बन पाई। फिर उसके बाद यही था कि आज मार्केट में दिवाली कह रहे थे ऊपर आ सकती है मार्केट, कल भी रिट्रेसमेंट किया आज भी रिट्रेसमेंट किया, तो कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड बनाए रखा। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली क्या था, कब मैंने बताया था कि हाँ मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर लिया। फ्राइडे की क्लोजिंग जब हुई थी तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई थी, उसके बाद वो वहाँ से कंटिन्यू करता रहा, गैप अप ओपन हुआ, सब अच्छी जगह पे सपोर्ट लिया और वहाँ से चलता रहा। अब आते हैं ऑप्शन पे, SLT1 SLT2। ऑब्वियसली आज SLT1 फिन निफ्टी की अगर बात करें तो एग्जैक्टली SLT1 का लेवल है, लो वैल्यू आप देख सकते हैं 2825। मैं दिखा देता हूँ उसमें 31 SLT1 का लेवल था, SLT1 के लेवल से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, क्लोज ऊपर दिया 3170 पे और मार्केट स्टेट वे अप। फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, फिन निफ्टी में देखिए लो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 2831 का है, क्लोज की बात करें तो ये 32 का क्लोज है, तो SLT1 से डायरेक्टली हिट हुआ और उसके बाद बैक टू बैक काफ़ी बड़ा मोमेंट आ देखने को मिला। देखिए डाउन ट्रेंड में ये काफ़ी टाइम से बोल ही रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है डाउन ट्रेंड में, जब रिवर्सल आते हैं तो वो भी बड़े आते हैं, डाउन ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा चलता है। सो एंजॉय कीजिए, अगर पकड़ पाएँ तो इंस्टेंटली अगर कोई मोमेंट मिल जाए तो आपको एक बेटर आइडिया हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस पे प्रेडिक्टिव लेवल को कैसे यूज़ किया जाए। लोगों ने आपने कुछ किसी भी फार्मूले के साथ, मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ या यूट्यूब पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, लेवल लगाया उस लेवल से गया, पाइवोट से गया, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रेडिक्टिव लेवल की, आज ऑप्शंस पे प्रेडिक्टिव लेवल दिखाता हूँ आपको। पिछली दो तीन वीडियो में मैंने ऑप्शन का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि SLT1 SLT2 जो है वो ऑलरेडी फाइन ट्यून है और काफ़ी अच्छे वैल्यू पे चलते हैं। कल का हाई ऑप्शन का, कल का हाई था एग्जैक्टली आज लो क्या हमारा ऑप्शन है रिवर्सल पॉइंट, इसी ऑप्शन का कल का जो एग्जैक्ट हाई था एग्जैक्ट लो उसने प्रेडिक्ट किया। चलिए किसी भी वैल्यू पे आते हैं, देख रहे लास्ट स्विंग से एग्जैक्ट लो, हाई से एग्जैक्ट लो। अब बात करते हैं एंट्री कहां पे की जाए। ओपनिंग हुआ कल के हाई से, मार्केट में जो टूटना था वो टूटा, रिवर्सल लेवल है, रिवर्स एंट्री का मतलब है डाउन में दोबारा से जा सकता है, जाएगा या फिर इसका सपोर्ट लेके, सपोर्ट बिकम टू बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम टू बी सपोर्ट, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। अब एंट्री अच्छी हुई, प्रॉफिट अच्छा हुआ, बट वेयर टू एग्जिट एंड वेयर टू गेट, अभी मैं आपको बताता हूँ। आई एम सॉरी, अब लेवल को ध्यान से देखते हैं। एंट्री नहीं हुई, ये भी लो था, एंट्री नहीं हो पाई, एंट्री के ऊपर जाए तो काम करते हैं। ये लो है, लो के बाद एंट्री कहाँ पे हुई, सेम का इस कैनल पे एंट्री हुई है, क्लोज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज या फिर ये पुल बैक पे एंट्री हुई, ऊपर गया, क्लोज नीचे दे रहा था, नीचे दे रहा था, बार बार इस लाइन पे सस्टेन किया, 1 2 3 केम बैक डाउन, अप अप अप। अगर आपकी एंट्री छूट गई है तो यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए एक स्टेप ही ऊपर का टारगेट एक माना जाता है, ऑप्शन में आज बड़ा मोमेंट निकलना हो, हाई से एग्जैक्ट लो, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है लेकिन ये हाई से एग्जैक्ट लो, इस हाई से ये एग्जैक्ट लो है, ये एग्जैक्ट हाई है जो आपको हाई दिख रहा है वो एग्जैक्ट हाई 149, रिवर्स एंट्री, रिवर्सल, ऑरेंज लाइन, एंट्री रिवर्सल, एंट्री रिवर्सल, ये ऑप्शन निफ्टी है। चलिए निफ्टी के पुट में भी देख लेते हैं, पुट में क्या हुआ,
कल का हाई था, कल के हाई से देखा तो एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास सस्टेन करता रहा। मॉर्निंग में एग्जैक्टली टेस्ट किया, क्लोज कल एग्जैक्ट क्लोज कल हमारे लेवल पे क्लोज हुआ, मार्केट ऊपर गया और हाई उसने ये लगाया। अब हाई की बात कर लेते हैं, वेयर द हाई एंट्री और हाई अभी देख लेते हैं, स्टॉप लॉस कितने हुआ वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, वो डिफरेंट मैटर है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, चीजें किस पे हैं। कल के लो से अगर देखें तो एंट्री शुड बी हियर, टारगेट शुड बी हियर। अब आज की बात करें तो आज की एंट्री ये लो था, चलिए सेकंड कैंडल से बात करते हैं, ये लो बनाया, एंट्री आपकी यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे। दोबारा से क्या एंट्री, एंट्री के बाद हाई, हाई के क्रॉस किया, ऊपर नहीं जा पाया, बट स्टिल वन मोर थिंग टू डू, एक बार चेक करने की बात है। एग्जैक्टली लो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, मीन्स ऐसा कंप्लीट सेटअप जो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ले पाए और मार्केट वापस। अब यहाँ से थोड़ा सा गया और ये 160 से ये हाई गया है जो 144 का हाई है, मार्केट वापस आया, रेजिस्टेंस ले रहा था, ऑब्वियसली दिख रहा था कि मार्केट डाउन। चलिए डाउन में आया जब, तो कहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना, जब ये इसको ब्रेक करके क्लोज देता है यहाँ पे आपकी एंट्री खत्म करती है, राइट। सो एंट्री समवेयर अराउंड हियर, जो भी मिला मिला। दोबारा से जब तक ये लेवल अब नहीं है, ये लेवल मीन्स परफेक्ट सपोर्ट ना आए जब तक, तो कोई एंट्री नहीं करनी है। या तो ये सपोर्ट आएगा या ये इस एरिया में ही एंट्री करेंगे, तो इस एरिया का मतलब है कि एंट्री आपकी यहां पे आनी चाहिए। एग्जैक्ट है ये हाई 35 3470 समवेयर अराउंड, ठीक, पॉसिबली हो भी गई होगी, नहीं होगा तो वापस आ फिर निफ्टी में चलते हैं। मॉर्निंग का पहला लो, पहला हाई इस लेवल के आसपास क्लोज दिया। देखिए लेवल एडजस्ट हो रहा है, हाई लो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कंप्लीटली हाई लो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। एंट्री टारगेट, एंट्री टारगेट, एंट्री टारगेट मल्टीपल टाइम। अब ये सिमिलर लो है, देखिए 4 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट में देखेंगे तो ये सिंपल एक स्पाइक होगा, मैं 5 मिनट कर देता हूँ, जनरल है, इमिडिएटली ऊपर गया, टेस्ट किया, केम बैक डाउन। सो सस्टेन करना चाहिए, मीन्स अब नया लो क्या होगा, तो नया लो ये वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ से ये हाई से रुके कहाँ मार्केट, इसके नीचे तो मेंटेन कर रही है, सो यू शुड बी एंटर समवेयर अराउंड हियर। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है एंट्री लेवल पे, तो ही आपको ट्रेड करना है, उसके नीचे आते हैं कहीं पे कोई ऐसी तो यही एंट्री मिलती है, यहाँ पे सस्टेन करता है तो मे बी ये देख लेते हैं। देखिए परफेक्शन ऑफ लेवल आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, कैसे क्यों। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, दोबारा से सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट लो, मीन्स ये फर्स्ट लो आया, यहाँ से देख ही चुके हैं। चलिए दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, पहली बार यहाँ से एंट्री कहाँ पे होगी, लो, दिस वन इज एंट्री, दिस वन टारगेट। अब हाई से नीचे ब्रेक करके गया, सो एंट्री एंड टारगेट, हाई से सपोर्ट लिया यहाँ तक गया, एंट्री टारगेट, मीन्स एंट्री का लेवल आपको दिख रहा है, एंट्री लेवल, दस एंट्री लेवल, द प्राइस पॉइंट इज एंट्री लेवल, हाई एंट्री पॉइंट अब कहाँ आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग एंट्री पॉइंट यहाँ आ रहा है, मीन्स अगर ये कैंडल एंट्री तक जाती है या अगली कैंडल एंट्री तक जाती है तो एंट्री करेंगे। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट लो, सो नाउ यू आर एंट्रिंग समवेयर अराउंड हियर 29 रुपये 40 पैसे, कितनी बार ट्रेड करना चाहेंगे उतनी बार ट्रेड। अब दोबारा से हाई की तरफ देखें तो यहाँ से 1 2 3 नेक्स्ट लो एंट्री और ये सिमिलर गया, मीन्स अब ये ब्रेक कर रहा है तो सॉरी लेवल को ब्रेक किया, फॉल हुआ, वापस गए, एंट्री कुछ पॉइंट से बचा, 23 हाई 2465 1 रुपए के, 2465 और हाई जो है 2345 का है, 1 रुपए के आसपास का बैलेंस बचा उसमें से, अदरवाइज ये चला 19 से 24 23 24 रुपये जो भी चलता है। अब इस कंडीशन में जब ये नीचे डाउनफॉल करता है, एक्सपायरी होती है, चीज़ें होती हैं,
तो कोशिश कीजिए कि इसी लेवल के आसपास कहीं ट्रेड हो। अगर बात करें तो इस लेवल पे तो फिर से ये एंट्री एंट्री टारगेट 1, 2, 3 रिवर्सल फ्रॉम हियर। नई वैल्यू की बात करें काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा चार्ट को कर देते हैं ताकि समझ में आए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो शायद कुछ अच्छा आपको दिखे, ऐसा यूनिक दिखे जो आपने कहीं नहीं देखा हो। मैं एक वैल्यू दिखा रहा हूं। एंट्री हुई 5 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे से स्टेट वे हाई, द फर्स्ट हाई 6 रुपीज 95 पैसा। अब देखिए छोटा प्राइस है, उस प्राइस रेंज में क्या वैल्यू मिलेगी। स्टेप की बात करें सो फर्स्ट स्टेप सेकंड एंड थर्ड दैट्स द फाइनल स्टेप ऑलमोस्ट मींस 10 रुपए 85 पैसे का टारगेट। एंट्री एंट्री के बाद द टारगेट इज हियर, द स्टेप 1 2 एंट्री 1 2 3 वही सेम रिपीटेटिवली वही सेम। उसने थर्ड अटेम्प्ट में ऑरेंज लाइन से रिवर्स किया, यहां पे भी ऑरेंज लाइन से रिवर्स किया। अब बैक टू बैक नीचे आ रहे हैं अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए रीसेट करते हैं इसको। फिन निफ्टी दोनों में, कॉल में भी पुट में भी दोनों में देख चुके हैं। बैंक निफ्टी में आता है, बैंक निफ्टी का कल का हाई था, ये सिमिलर प्रोडक्ट है, मतलब ये कल का हाई या लो, कल के लो से एग्जैक्ट हाई आया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये कल का लो था, एग्जैक्टली हाई टेस्ट किया उसने, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फॉल किया। फॉल करने के बाद अगर बात करें तो यहाँ से ये वैल्यू एग्जैक्टली दोबारा से फिर वही एंट्री टारगेट। अब वेट कीजिए, ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, लो कट रहा है, तो लो कटने के बाद अभी यहाँ कहीं लो कटा नहीं आया, नहीं आया यहाँ पे आपको एंट्री मिली, एंट्री टारगेट। अब लो नहीं ब्रेक हुआ। चलिए ये आज का दिन का ओपन हुआ, जूम करता हूँ। एक्चुअली काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी, तो जीरो लेवल का मतलब है मैं इसको स्क्रॉल डाउन। मार्केट का पहला लो यही था, मार्केट में एंट्री हुई, मार्केट नीचे नहीं आई, एंट्री होने के बाद द टारगेट हिट, दोबारा से लो ब्रेक हुआ नहीं। अब ये क्या, वापस पुल बैक की बात करें, वापस पुल बैक आया क्या, नियरेस्ट लेवल पे आया, नियरेस्ट लेवल मीन्स यहाँ इस लेवल इसको ब्रेक किया। अब पहली बार लो क्या बनेगा, ये एंट्री, ये कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एक्चुअली स्टॉप लॉस इसमें 1:1, यहाँ पे 1 है, 1:3, 4, 5 को कर सकते हैं। ठीक, एंट्री लेवल टारगेट स्टेप अगेन 1 2 बूम। यहाँ से रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट क्या आई, फर्स्ट लेवल तक आई, फर्स्ट लेवल से दोबारा एंट्री लेवल पे पहुँच, बड़ा अमाउंट है, स्ट्रेट वे है। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट आई क्या, नहीं आई। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी है, नियर बाय है, नियर बाय लेवल है, तो नियर बाय लेवल से एंट्री देख सकते हैं। हाई की बात करें, हाई से बहुत दूर है, अब ये वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं पुट में, पुट में देख लेते हैं, पुट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगेगा, सॉरी। अब पुट का कल का हाई था वो 870 का था, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई मतलब नहीं है इतने बड़े हाई का, बट फिर भी स्ट्रेट वे मॉर्निंग में सुबह पहली बार जो लेवल मिला वो मिला इस लाइन के 186 के आसपास, 186 में फर्स्ट लो क्या आता है, ये नहीं गया मार्केट, ये गया, जूम कर लीजिए, देख लीजिए लो क्या है, ये लेवल के आसपास था एंट्री, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ भी एंट्री हुई एग्जैक्ट हिट किया, दो बार सपोर्ट लिया, क्रॉस किया, अब दोबारा से फिर से जीरो लाइन पे आ रहे हैं। हाई से बात करूं तो हाई से अब देखिए इसको, या तो यहाँ पे रुके, अब एंट्री हुई कंटिन्यू चलता रहा और नियर बाय यहाँ पे कुछ ही पैसे बचे 213.25, और हाई जो है वो 206 का, 7-8 रुपये का डिफरेंस में थोड़ा सा ये एग्जिट, और सॉरी इस एग्जिट वन मैगनेट, आई कैन यूज़ अ मैगनेट, ठीक है। हाई 3 रुपए का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस, 210 का लेवल है, 200 का प्राइस रेंज है, 1 रुपए का डिफरेंस में अगर उस रेजिस्टेंस को छोड़ते हैं, सो
आई डोंट नो, चलिए फिर भी हाई से फिर से अगर ट्राई करें तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग समवेयर अराउंड हियर एंट्री हुई, वापस आया। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस जीरो पॉइंट होने, मतलब नेक्स्ट पॉइंट तक जाने का है, तो अब ये स्टॉप लॉस होगा। अब कंटिन्यूसली ये डाउन जा रहा है, सो देर इज नो रीजन कि आप इस पे ट्रेड करेंगे। ये आज का दिन आया, आज के दिन से पहली बार अगर बात करें तो पहली बार एंट्री यहाँ पे हुई, मीन्स दैट्स द फर्स्ट स्विंग हाई, एंट्री हुई, वापस आ गया, वेट करते रहे, दोबारा से अगर इस लो पे बात करें तो दोबारा से इस लो पे आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ। कंटिन्यू देखते रहे देखते रहे, ट्रेड अभी कंटिन्यू है, सो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका कि अब यहाँ से कुछ ना किया जाए, अब दोबारा से यहाँ पे ट्रेड करना, ये ऑलरेडी ट्रेड में है हम, तो उसमें एक ही स्टॉप लॉस कटवाएंगे, वो कंटिन्यू एक स्टॉप लॉस हुआ। अब वेट कीजिए नए रिवर्सल लेवल का, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कोई एंट्री, कोई एंट्री नहीं, यहाँ से कोई एंट्री, यहाँ से कोई एंट्री, कोई एंट्री नहीं, सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हुआ, मीन्स ये एक बार स्टॉप लॉस हुआ, बाकी पांच सिंबल में कहीं कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ। मल्टीपल टाइम ड्रॉप करता है, मीन्स सेकंड लेवल पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, थर्ड लेवल फोर्थ लेवल जो भी जाए उसके ऊपर जाने दीजिए, ये मेरा आइडिया है। सो प्रेडिक्टिव लेवल का कंसेप्ट नाम मैंने एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, बट एग्जैक्टली मतलब इसका सिर्फ ये, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट वे ऑफ मार्केट, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ मार्केट। चलिए कल मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे, आज क्या हुआ है वो देख लेते हैं। बाकी सभी चार्ट्स पे आज ऊपर क्लोज ऊपर है, अदानी एंटरटेनमेंट कल ऊपर था, तो कल भी स्क्रीनशॉट में क्या बता सकता था, मैंने वीडियो बनाई थी, ये सपोर्ट से ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल नथिंग एल्स, डाउन गया, एक बार टेस्ट करेगा रिवर्स एंट्री को फिर जाएगा, ये डाउन में था, ऊपर रेजिस्टेंस किया, क्लोज एग्जैक्टली 1185-55 का लेवल है, 1186-85 पे क्लोज हुआ है, ये डाउन में आया। परसों से कह रहा हूँ कि ऐसे इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा और नीचे 9423 के आसपास जाके एक बार मेंटेन करेगा 9261। एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, रिवर्स से, रिवर्स एंट्री से, रिवर्सल से ऊपर गया था, अगले दिन ओपन हुआ जूम, कल रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट लिया, बजाज फिनसर्व इतना परफेक्टली नोबडी कैन टेल यू। स्क्रीनशॉट कल बनाए थे, आज नहीं बनाए, कल ही पोस्ट किए थे, सेलिंग एंट्री, इतना बड़ा सेलिंग एंट्री, इतनी परफेक्ट रेजिस्टेंस, आज जब इसने टच किया था तो आज क्या इसको सेल कर सकते थे द पॉसिबली। देखिए डाउन ट्रेंडिंग में कंटिन्यूसली क्लोज और एक दिन उसका पुल बैक मारना अलग बात है, कंटिन्यू दो दिन अप ट्रेंड में रहना अलग बात है, कल का वेट किया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। एक परफेक्ट लेवल पे बार बार लो टेस्ट कर रहे हैं, 1700 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं, होपफुली अगर रेजिस्टेंस लेना होगा तो इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं जाएगा, इससे ऊपर गया तो चांसेस ज़्यादा बुलिश के हैं ना कि बेरिश के। भारतीय एयरटेल रिवर्सल लेवल पे कल सपोर्ट लिया था, आज गैप डाउन ओपन होके नीचे क्लोज, ये डाउन में था ऑलमोस्ट रिवर्स लेवल पे घूम रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ परफेक्ट वो नहीं है, सॉरी वो कुछ सेटिंग आउट थी लेवल्स समर अराउंड हियर, तो एक बार टेस्टिंग होगी नीचे जाएगा फिर कुछ करेंगे। सिप्ला सपोर्ट लिया, आज ब्रेक करके नीचे, एंट्री है 1426, देखेंगे इसको 1490, 1426, 1404 देख पाएंगे। कोल इंडिया को मैंने नहीं किया है, डॉक्टर रेड्डी को भी नहीं किया है, डॉक्टर रेड्डी कुछ लोग करते हैं, अगर किसी को देखना तो मैं डॉक्टर रेड्डी पे मैं लगाया मैंने अभी। देखिए एग्जैक्टली लेवल्स को कैसे डिफाइन किया है मैंने, हर एक स्टॉक का एक अपना रिदम है, और आप देखेंगे कुछ में डबल लाइनें हैं, कुछ में सिंगल लाइनें हैं, बट या
ऑल आर सेम, डिफरेंट कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन का बेस्ड, जैसे इस पे वो सिंगल वाला लेवल, इस पे एग्जैक्टली हाई नहीं आएगा, इस हाई से मैं एग्जैक्ट हाई प्रेडिक्ट, अगर मुझे दिख रहा है पिछले स्विंग हाई लोस इस पे दिख रहे हैं तो ही मैं इसको सिलेक्शन होता है। मीन्स हर एक स्टॉक का अपना रिदम है, अपनी कैलकुलेशन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूनिवर्सल दो तीन कैलकुलेशन उन्हीं पे काम करता है, उनमें से एक परफेक्टली काम करेगी, बाकी दो नहीं करेंगे। आईसर मोटर काफी बड़ा स्टॉक, आई एम नॉट यूजिंग दैट, इसका भी स्क्रीनशॉट कल पोस्ट किया गया था, हाई से रिवर्स पॉइंट पे खड़ा है, सपोर्ट लिया कल भी, ओपन होते ही ऊपर गया, आज भी यहां तक जाए रिट्रेसमेंट लेगा। फिर एसएलटेक काफी अच्छे ट्रेंड में है, देखिए ये एचडीएफसी बैंक की दो दिन पहले की वीडियो में देख लेंगे, बार बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ऑब्वियसली जब तक यहाँ है तो आप ट्रेंड में ही है, कुछ नहीं कह सकते उसको, लेकिन अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे एक आध दिन के लिए मेंटेन करता है, जैसे कल एक बार मेंटेन किया था, आज इमिडिएटली ओपन हो के सीधा ऊपर, अगर कल भी ऊपर से क्लोज देकर नीचे क्लोज देता तो फाइनली इमिडिएट क्रैश करेगा। अगर कल गैप अप ओपन होके नीचे क्लोज देता है इस पर्टिकुलर 1741 पर तो क्रैश हो जाएगा। एचडीएफसी लाइफ मैंने नहीं लगाया। हीरो मोटर कॉर्प परसों यहाँ था जब मैंने वीडियो बनाया था, इसका ये लेवल परसों से बता रहा हूँ 4759, आज एग्जैक्टली हिट कर दिया। हिंडल को ने सपोर्ट लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, थोड़ा वीडियो लंबा है तो इत्मीनान रखिए, चीज़ें कुछ अच्छी होंगी। मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि यहाँ तक आए तो रेजिस्टेंस लें, अदरवाइज अगर स्टेट वे ही 2493 ब्रेक होता है तो दोबारा से एंट्री की जा सकती है। आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट वेट, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट लगे ऊपर गया है, हाई कटने के चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ वापस। आईटीसी कल रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। इंडसइंड बैंक काफ़ी क्रैश हुआ था, सपोर्ट लिया था एक दिन के लिए, दोबारा से डाउन में क्लोज। इंडसइंड बैंक के अगले लेवल देख लीजिए 993, 993, 940, 921। इन्फी पे कुछ पे एक्चुअली दूसरे कंप्यूटर पे रन हो रहा है तो कुछ के लेवल्स ऑटो डिलीट हो जाते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट कल बूम किया था, आज ऊपर किया, क्लोज नीचे दिया, कल टेस्ट करेगा, दोबारा से नीचे गिरेगा, गैप डाउन ओपन, फिर रिवर्सल पॉइंट पे, देखिए मल्टीपल टाइम इसी वैल्यू पे खड़ा है, अब रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये कल क्लोज लिया था, आज भी नीचे क्लोज है, कल भी नीचे क्लोज होगा। रिवर्स एंट्री वापस, एमएनएम डाउन में चांसेस ज्यादा है, 2647, 2502, ये क्रैश हो ही गया, परसों देख रहे थे। मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया बड़ा क्रैश है, लेवल को क्रॉस कर चुका है, अगले लेवल पे ध्यान रखिए। ONGC, पावर ग्रिड मैंने नहीं लिए हुए, रिलायंस एक्चुअली कुछ लेवल ऑटो डिलीट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। चलिए एक्चुअली पेज रीलोड नहीं हुआ था, रिलायंस के लेवल कल पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी स्टॉक हो गए थे रिलायंस के बाद। ये SBI लाइफ लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, SBI लाइफ रिलायंस के नेक्स्ट लेवल क्या है, एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है 4 दिन से तो चांसेस हैं कि मेजर सपोर्ट का काम करें, इसको ब्रेक करके 1321 के नीचे जाएगा तो ही काम करेगा, 1340 अभी चल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पे आएगा तो ही ऊपर जाएगा। श्रीराम फाइनेंस एग्जैक्टली रिवर्स पॉइंट से रिवर्सल, 2 दिन से ऊपर क्लोज, नेक्स्ट लेवल के लिए 3380 के लिए देखेगा। 774 पे गया था, 833 जा चुका है, 832-833, 774 से बार बार सपोर्ट ली थी। सन फार्मा, देखिए
लेवल को टेस्ट करके नहीं तो दोबारा आज बड़ी कैंडल कल दोबारा से फिर से डाउन देखेंगे और 1806 के बाद भी कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली लो टेस्टिंग थी 4 दिन पहले, आज डाउन में क्लोज हुआ है, एक बार दोबारा से टेस्ट कर सकता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। नीड टू बी केम बैक डाउन और 958 के आसपास या 940 के देख सकते हैं। टाटा मोटर्स देखिए 828 का एग्जैक्ट लो, रेजिस्टेंस अच्छी 885 से लेके 828 काफ़ी अच्छा स्कोप था। मे बी और मे बी नॉट, यहाँ पे ये इस तरह के चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखेगा, ये बार बार इसके लो को टेस्ट कर रहे हैं, अभी वो डाउन देख रहे हैं। ये एग्जैक्टली एंट्री तक आया, एंट्री का मतलब ये है कि रिवर्स से एंट्री मिले तो फिर उसके बाद ये अगले लेवल पे गए। अभी थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है, मेजरली हाई काटने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें। टाइटन अच्छी सपोर्ट पे खड़ा है, 2-3 दिन से सपोर्ट ले रहा है, तो बी अवेयर अबाउट 3240 के नीचे ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज बुलिश हो सकता है और लंबा चल सकता है। जस्ट होल्ड ऑन, तरंत काफ़ी सपोर्टिव है, सेम टाइम पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, बार बार नीचे आने की ट्राई किया नहीं आ पाया, कल अगर नीचे खुलता है 7300 के नीचे मेंटेन करेगा तो 6800 भी देखने को मिलेगा। अल्ट्रा टेक सीमेंट रेजिस्टेंस पे कल रेजिस्टेंस लिया, आज भी उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाया, डाउन टू अर्थ वापस जमीन पे दिखने के चांसेस हैं। रिवर्स टेक का सपोर्ट एग्जैक्टली फिर से हाई टेस्टिंग है, अच्छा पॉइंट है, काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट किया जा सकता है, बाकी निकलेगा तो 588 दिखेगा, 565 के ऊपर निकलेगा तो 588 या उसके ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, ऊपर के लेवल आप देख सकते हो 600 कुछ। तो निफ्टी एफ्टी के सारी लिस्ट ऑलमोस्ट ऑल देयर, सारे के सारे कल स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे और आज मैंने इसमें दिखा भी दिया, तो कल से आप अपने लेवल्स देख सकते हैं स्टॉक के भी और उसके भी। बाकी चीज़ें एक दो दिन में फिर से स्टॉक को कवर कर लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और आज वहाँ से कितने पॉइंट ऊपर नीचे हुआ मार्केट। द डेट इज 30th, तो 30 नेक्स्ट मंथ 1 वीक के बाद मीन्स फ्राइडे टू फ्राइडे स्टॉक पर डिस्कस कर लिया करेंगे, तो अदरवाइज इतने लंबे वीडियो की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इंडेक्स ऑप्शंस और साथ में स्टॉक्स, प्रेडिक्टिव लेवल दिस अ कंसेप्ट ऑफ माय प्योरली माय ओन, मेरा ही डिजाइन किया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ है और लॉजिक के साथ है, इलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है कि कुछ भी बनाया और मार्केट में लोगों को दिखाया, तो ऐसा नहीं है। चलिए जैसा भी आपको लगे, कोई सजेशन या कोई चीज़ें आपको अच्छी या बुरी लगे तो आप बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन द आवर मैथमेटिकल कोर्स मोस्ट वेलकम। कल दिवाली है, कल भी मार्केट रहेगी, परसों भी रहेगी, तो आपकी बार फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, तो मल्टीपल एक्सपायरी 2 दिन अगर मार्केट अच्छे सारी थोड़ा सा डाउन खुले ऊपर चले तो थोड़ा मजा है, अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जैसा होगा मार्केट में बने रहिए, सुबह मैं लेवल पोस्ट कर दूंगा आपको, इंडेक्स के लेवल सुबह 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 पोस्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सूझ बूझ के साथ लेवल्स को ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय।